हाय दोस्तों, आज हम क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे। इसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। जब कोई इंसान गिर जाता है या फिर गिरने के अलावा कोई डायरेक्ट चीज़ इस कॉलर बोन के ऊपर आकर लगती है तो यह हड्डी टूट जाती है। देखने पे ही पता लग जाता है कि स्किन थोड़ी सी बोन का उभार दिखने लगता है। अगर बोन को थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करेंगे तो क्रेपिटस की साउंड आती है, कुछ अजीब सी कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। दर्द तो होगा ही, सूजन दिखेगी, उस एरिया को दबाने पे दर्द होगा, तो एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये बोन टूट गई है। उसके साथ साथ हमें देखना होता है कि कहीं नीचे जो लंग्स होते हैं, क्लेविकल के थोड़ा नीचे की तरफ लंग्स ख़त्म होते हैं, तो वहाँ कहीं इंजरी तो नहीं हुई है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, या क्लेविकल के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट नर्व और वेसल होती हैं, उनको देखना होता है, जो ज़्यादातर तो इंजर्ड नहीं होती हैं, बट हमेशा देखना पड़ता है कि सीवियर इंजरी में टूट तो नहीं गई है। ज़्यादातर क्लेविकल जो टूटती है वो बीच में से टूटती है। उसका रीज़न है क्योंकि बोन एक एंड पे चपटी होती है और बीच में गोल होती है, तो वही एरिया सबसे कमज़ोर होता है, इसलिए ज़्यादातर वहीं टूटती है। उसके अलावा एक क्लेविकल का जो बॉडी के अंदर की तरफ का हिस्सा होता है, जो बिल्कुल सेंटर की तरफ आता है, उसे हम प्रॉक्सिमल वन थर्ड बोलते हैं। एक बिल्कुल बाहर वाला एक तिहाई हिस्सा होता है, जिसे हम डिस्टल वन थर्ड बोलते हैं। जब फ्रैक्चर पता करना होता है तो एक्सरे करके देखते हैं हम। कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम और भी इंजरीज को देखने के लिए हम सीटी स्कैन कराते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ज़्यादातर केसेस के अंदर 90-95% के अंदर बिना किसी ऑपरेशन के ये बोन ठीक हो जाती है। ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं कि अगर बीच में से टूटती है, जो कि सबसे ज़्यादा उसी एरिया में टूटती है। हाँ, अगर ये टूटने के बाद इसके दोनों हिस्सों के बीच में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का गैप दिख रहा है, तब ओपन सर्जरी करने की बात होती है या बिना ओपन करके सर्जरी करने की बात होती है। करते क्या हैं बिना ऑपरेशन के, हम ठीक कैसे इसे करते हैं? तो एक इसके अंदर फिगर ऑफ 8 का बैंडेज आता है, या तो वो हम खुद बनाकर लगाते हैं या बनी बनाई मार्केट में भी मिल जाती है। फिगर ऑफ 8 बैंडेज या एक सिंपल आम पाउच में भी रखकर ये हड्डी जुड़ जाती है। ये इतनी इजी होती है जुड़ने के लिए। शुरुआती पीरियड में थोड़े बहुत एनाल्जेसिक्स देने पड़ते हैं और एक एक्सरसाइज का पूरा एक फॉर्मेट होता है कि जो इस पूरे दौरान जब तक हड्डी जुड़ ना जाए एक्सरसाइज करनी होती हैं, जो हम आगे आपको समझाएंगे। प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज होती हैं, जैसे जैसे पेन कम होता जाता है पहले 3-4 हफ्ते के बाद, वैसे वैसे हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। टेम्परेरीली स्लिंग का यूज़ करते हैं, और ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें खाली क्लेविकल के आसपास की एक्सरसाइज नहीं, नीचे एल्बो और रिस्ट की भी करनी होती है, नहीं तो पेन के डर से कई लोग पूरा उसे स्टिफ कर लेते हैं। सोते वक्त थोड़ी सावधानी होती है। जब फ्रैक्चर हो जाता है, आपने ब्रेस पहनी हुई है, तो आप जब सो रहे हों तो अपने या तो बैक साइड पे सोएं या साइड में सोएं, जिस तरफ फ्रैक्चर उधर ना, और आसपास में पिलो ऐसा लगा के सोएं कि आपको कंफर्टिंग पोजीशन रहे। ज़्यादा अच्छी मानी जाती है अगर पॉसिबल हो तो सेमी सिटिंग, जैसे हॉस्पिटल बेड्स होते हैं, तो वो ज़्यादा कंफर्टिंग मानी जाती है। ऐसे केसेस में जब फ्रैक्चर हो तो ढीले ढाले कपड़े पहनना चाहिए, उससे काम करने में, मूव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्सरसाइज रूटीन की बात करें, उससे पहले ये जान लें कि ये बोन जुड़ती कब है। ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि डॉक्टर ये कितने दिनों में जुड़ जाएगी। तो 8-12 हफ्ते लगते हैं, यानी कि 2-3 महीने लगते हैं जब क्लेविकल बोन जुड़ती है। वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जब 3 महीने से ज़्यादा हो जाए और क्लेविकल बोन ना जुड़े, तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ये इतनी स्लो क्यों जुड़ रही है, उसे हम डिलेड यूनियन बोलते हैं। और अगर इसको ना जुड़ते हुए लगातार 9 महीने निकल जाएं, तो इसका मतलब ये बोन अब जुड़ने वाली नहीं है। एक्सरसाइज की बात करते हैं। पहले 3 हफ्ते में जब क्लेविकल की बोन हिलती भी है, अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे, तो ऐसे केस में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज होनी चाहिए। अपनी बॉडी से लगा के हाथ को आप एल्बो को खोलेंगे और बंद करेंगे, रिस्ट के मूवमेंट करेंगे, हाथ के अंदर एक स्क्वीजी बॉल लेके उसके साथ हाथ की एक्सरसाइज करेंगे, रिस्ट को ऊपर नीचे करेंगे और शोल्डर को थोड़ा सा पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करेंगे और आगे रख लेंगे। बस रिट्रैक्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद 3-6 हफ्ते में जब थोड़ी सी बोन चिपक जाती है, तो उसमें क्या, एक चेयर रख के साथ में हल्का सा उस साइड को हैंग करके, जैसे पुराने समय में घड़ियाँ आती थी पेंडुलम वाली,
वैसी घड़ी की तरह आप अपने हाथ को आगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे या दूसरे हाथ के सपोर्ट के साथ शोल्डर के कुछ मूवमेंट्स होते हैं वो करेंगे, जिसे हम आगे ले जाने को फ्लेक्शन बोलते हैं, पीछे ले जाने को एक्सटेंशन बोलते हैं, और थोड़ा बहुत उसको घुमाने को अंदर और बाहर की तरफ इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं। 3 से 6 हफ्ते में ये एक्सरसाइज करके आप अपने शोल्डर को जाम होने से बचा सकते हैं। 6 से 12 हफ्ते पे आप थोड़ा सा एग्रेसिव होना हम शुरू होते हैं, एक्सरे करा के देख लेते हैं एक तो कि बोन की पोजीशन क्या है। धीरे धीरे हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, रेंज ऑफ मोशन यानी शोल्डर के सब डायरेक्शन में एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिव और असिस्टेड यानी कि खुद से करेंगे और अपने दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके सारे मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं ऑपरेशन की, किन सिचुएशंस में ऑपरेशन करना चाहिए। अगर ये फ्रैक्चर के दोनों फ्रैगमेंट 2 सेंटीमीटर से दूर पड़े हैं तो ऑपरेशन की एक इंडिकेशन बनती है। हाई एनर्जी फ्रैक्चर्स जो होते हैं कि अगर बहुत तेज किसी चलती हुई गाड़ी में एक्सीडेंट होते हैं तो मांस भी कुचल जाता है, बोन भी टूट जाती है, और वो इतनी ज़्यादा टूटती है कि नॉर्मली खाली कंजर्वेटिव जुड़ने में दिक्कत होती है, तब एक कंसिड्रेशन है। या दोनों फ्रैगमेंट बहुत ही दूर पड़े हों तभी भी हम सोचते हैं, या बोन के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए हों, नर्व या वेसल की भी कोई इंजरी हो गई हो, बहुत सारी रिब्स होती हैं नीचे की तरफ, पसलियाँ जिन्हें बोलते हैं वो टूट जाएँ, तभी भी हम एक ऑपरेशन की इंडिकेशन मानते हैं। बोन टूट के एक एंगल बना ले 30 डिग्री से ज़्यादा का तो भी हम सोचते हैं कि करनी चाहिए। कई बार कॉस्मेटिक कंसर्न्स होते हैं, यंग अनमैरिड गर्ल्स के लिए कंसर्न होता है कि ये बोन जो जुड़ेगी तो ऐसा स्किन ऊपर उठी हुई दिखेगी, तभी भी एक इंडिकेशन होता है। या अगर किसी को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी बिना सर्जरी के क्लेविकल जुड़ रही है और उसको कुछ भी ओवरहेड एक्टिविटी करने में पेन होता है, वो भी एक इंडिकेशन होता है। कब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर जिस हिस्से में सर्जरी करनी है वहाँ किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, रेडिएशन की वजह से वो स्किन ख़राब है, किसी भी वजह से ख़राब है, या फिर कोई 60, 65, 70 साल की एज के बुज़ुर्ग हैं जिनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है कि जिसके लिए उन्हें एक्टिव यूज़ करने के लिए सर्जरी चाहिए, तो वहाँ भी हम अवॉइड करते हैं। ख़ास तौर से ऐसे लोग जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं और जो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानते हैं, जिनका पुअर कंप्लायंस है, वहाँ भी नहीं करनी चाहिए। सर्जरी के ऑप्शंस क्या होते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, मतलब कि ओपन करके उस हिस्से को आप वहाँ पर एक प्लेट लगा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो वो हड्डी जुड़ जाती है टाइम के साथ साथ, अलग अलग मोड की प्लेट्स होती हैं, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। या दूसरा एक तरीका होता है कि बोन के अंदर एक फ्लेक्सिबल पिन को पास कर दें, उससे भी बोन एक अलाइनमेंट पा लेती है और उसमें भी जुड़ जाती है। जो लैटरल एंड क्लेविकल के फ्रैक्चर्स होते हैं वो थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, उनकी प्लेट्स भी डिफरेंट आती हैं, जैसे हुक प्लेट या प्री कंटूर्ड डिस्टल प्लेट। क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्लेविकल में, हम किन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना चाहते हैं, जैसे जब बोन टेढ़ी मेढ़ी जुड़ती है, खास तौर से कंजर्वेटिव जब हम बिना सर्जरी के जोड़ रहे हैं तो थोड़ी सी उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, एंगुलेशन आ जाएगा, कुछ हद तक उस साइड के मूवमेंट करने में वीकनेस आ जाती है, और अगर ऐसा जुड़ती है तो जल्दी थक जाते हैं जब आप उस तरफ से काम करते हैं, ओवरहेड करने में कोई भी एक्टिविटी आपको पेन होता है, कई बार नस का भी थोड़ा बहुत असर होता है जिससे हमें चूने का पता लगता है, तो उस तरफ के हाथ में ज़्यादा एक्टिविटी या उसके बाद नमनेस पेरेस्थीसिया हो जाता है। जो क्लेविकल बोन के नीचे 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, सब क्लेविन वेसल और ब्रेकियल प्लेक्सस, उनके ऊपर इंजरी हो सकती है, इसका हमें ध्यान रखना होता है। कई बार हम जब बिना ऑपरेशन के जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बोन जुड़े ही ना, जिसे हम 4-5% से भी कम मानेंगे, या फिर अगर जोड़ के अंदर तक फ्रैक्चर गया है क्लेविकल बोन के प्रॉक्सिमल या डिस्टल में, वहाँ पर भी फ्रैक्चर होने से आर्थराइटिस हो जाती है, गठिया का पेन होने लगता है, बाद के मूवमेंट पेनफुल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रैक्चर है जो ज़्यादातर केसेस के अंदर बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। इसके सारे पॉइंट्स को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो डीआर दिल्ली।